अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, वायर की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। तो अभी यहाँ पे ये डीवी है, इससे जो है सर्किट जा रहे हैं टेलीफोन रूम में। हमने टेलीफोन रूम का सर्किट को देखना है कि उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो अभी ये आपके सामने एक साकेट नज़र आ रही है, इस साकेट के जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे वायर को छील के जो है ना इसके ऊपर इंसुलेशन उतारेंगे। इंसुलेशन उतार के जो है वो इसको कंटिन्यूटी जो है हम चेक करेंगे। अब इन वायरों को आपस में जो है वो हम तीनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अभी मैं टेस्टर को क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, 250 वोल्ट पे रख देता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। अभी जो है वो सर्किट को हम तलाश करेंगे, सर्किट को के R6 सर्किट जो है वो कहाँ पे है। ये आप ये ड्राइंग में देखें, देखें यहाँ पे टेलीफोन रूम है, ये यहाँ पे क्या है R6। ये आप ये देखें यहाँ पे, मैं आपको मजीद इंडिकेटर R6 DBH GP। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आपको नज़र आएगा जनाब, ये है, ये क्या है R6 DBH GP, यानी ये पूरा सर्किट है जिसको अभी जिसकी हम जो है वो कंटिन्यूटी में चेक करने लगे। अगर आपको मैं ड्राइंग पे दिखाऊं तो ड्राइंग पे जो है वो यहाँ पे R6 ये आ रहा है, ये ड्राइंग पे जो लोड शेड्यूल है उसके ऊपर जो है ये आ रहा है R6, और ये इसका जो है वो 4 mm की जो है वो वायर है, 20 mm का क्या है इसका MCB 20 ampere का है, और 4 mm की इसकी जो है वो न्यूट्रल फेस और अर्थ है। ये आपको मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ, ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम फेस और न्यूट्रल को चेक करेंगे, यानी रेड वायर और ब्लैक वायर को। ये देखें यहाँ पे ये 0-0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर है वो क्या है, वो सर्किट जो हमारा R6 का जो सर्किट का डीबी का R6 वो क्या है वो सही है। अब इसको दोबारा अर्थ के साथ जो है वो चेक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे भी 0-0 शो रहा है। अब इसके बाद हम वो वायरों को ओपन करेंगे, फिर चेक करेंगे। अभी वायर खोल देंगे ताकि जो है वो हम फिर दोबारा मीटर से चेक करेंगे कि ये सर्किट शार्ट तो नहीं है। अब हम दोबारा देखेंगे कि पहले हमने शार्ट करके चेक किया, अब ये वायर को खोल के चेक किया, अब इसका मतलब है कि सर्किट सही है। अब अर्थ वायर को चेक करेंगे, फेस और अर्थ को। फेस और अर्थ, अभी अर्थ से न्यूट्रल को चेक करेंगे, अर्थ और न्यूट्रल। ये इसका मतलब है तीन वायर जो है वो तीनों के तीनों जो है वो सही है। तो ये है कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका। अब इस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के ऊपर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।